हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो आपका चैप्टर चल रहा है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन, वो चैप्टर आपका यहाँ तक हो चुका है और आज मैं यहाँ से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पार्ट 5 है, ध्यान दीजिएगा। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। इफ़ यदि यू आप वुड सैक्रिया एक्वायर प्राप्त करना ओवरकमिंग यानी दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाली पावर शक्ति, यू आप मस्ट अवश्य कल्टिवेट विकसित करना पॉइज एंड पैसिविटी का मतलब शांति एवं संतुलन। यदि आप जो है दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाली शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर शांति एवं संतुलन एवं सकारात्मक विचारों को विकसित करना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, यू आप मस्ट अवश्य एबल समर्थ होना स्टैंड खड़ा होना अलोन अकेले, आपको अकेले खड़े होने में समर्थ होना चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोवेबिलिटी, ऑल पावर सभी शक्ति इज एसोसिएटेड मिली हुई संगठित विद साथ में इमोबिलिटी यानी अडिगता, सारी शक्ति अडिगता से मिली हुई है। अडिगता का मतलब अकेले खड़े होने का मतलब यह है कि आप ये नहीं कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप किसी सोचें कि कोई मेरे साथ हो तब मैं ये करूं है और हट जाए, स्थिरता ना हो आपके अंदर, अस्थिरता हो, तो मतलब एक चीज़ जो सोच लें उसको पूरा करके ही दम लें, इसी को कहते हैं अडिक्ता। द माउंटेन द मैसिव रॉक द स्टॉर्म ट्राइड ओक ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, माउंटेन पर्वत मैसिव रॉक चट्टान स्टॉर्म ट्राइड ओक यानी तूफान में अकेले खड़ा रहने वाला आक का जो पेड़ होता है जिसको शाहबलूत का पेड़ कहते हैं, ऑल सभी स्पीक बताते हैं असमय पावर शक्ति। तो पर्वत चट्टान और आग का पेड़ ये सभी हमें शक्ति के बारे में बताते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर एंड डेफिसेंट फिक्सिटी वाइल द शिफ्टिंग सैंड द यील्डिंग ट्विग एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, कह रहे हैं बिकॉज क्योंकि ऑफ काके के देयर उनका कंबाइंड मिली जुली सॉलिटरी एकांत ग्रैंडियर शान गौरव एंड और डेफिसेंट फिक्सिटी यानी अडिगता वाइल दौरान, जबकि तो अभी यहाँ तक समझिए, बिकॉज ऑफ के कारण, अब वो किस लिए हमें शक्ति के कारण शक्ति के बारे में बताते हैं, वो अपनी एकांत में जो उनकी गौरव है वो और अडिगता जो है, चाहे जितना तूफान चाहे जितना कुछ भी आ जाए लेकिन वो अडिग रहते हैं, इन सब के कारण वो हमें शक्ति के बारे में बताते हैं यानी वो शक्ति के प्रतीक होते हैं। जबकि शिफ्टिंग सैंड यानी उड़ने वाली रेत, यील्डिंग टू हिलने वाली टहनी, वेविंग रीड झुकी हुई टहनी, वेविंग रीड यानी हिलने वाली रीड जो एक नरकुल जो तालाब के किनारे एक नरकुल होती है जिससे पहले लिखा जाता था, वो स्पीक बताते हैं हमें वीकनेस कमजोरी, जबकि उड़ने वाली रेत और झुकी हुई टहनी और हिलने वाली जो नरकुल होती है वो हमें कमजोरी के बारे में बताते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट, बिकॉज क्योंकि दे वे आर हैं मूवेबल गतिशील एंड और नॉन रेजिस्टेंट अस्थिर, क्योंकि वे गतिशील हैं और अस्थिर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, एंड और आर हैं अटरली यूजलेस यानी पूर्ण रूपेण व्यर्थ निरर्थक व्हेन जब डिटैच्ड अलग होना फ्रॉम से देयर उनके फेलोज साथी, और वे जब वो अपने साथियों से पूर्ण रूपेण अलग हो जाते हैं तो वो पूर्ण रूपेण जो है व्यर्थ हो जाते हैं, मतलब किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो काफ़ी काम कर लेते हैं और जब अकेले पड़ जाते हैं तो उनसे कोई काम नहीं होता, तो ये तो शक्ति नहीं है, है ना। ही इज़ द मैन ऑफ पावर हु व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाय सम इमोशन और पैशन रिमेंस काम एंड अनमूव्ड, कह रहे हैं ही वा इज ए मैन आदमी ऑफ काके के पावर शक्ति हु, जो वही व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति है जो व्हेन जब ऑल सभी ही उसके फेलो साथी आ रहे हैं स्वेट चले गए बाय द्वारा सम इमोशन कुछ भावनाएं पैशन इच्छा रिमेंस रहता है काम शांत एंड और अनमूव्ड स्थिर, कह रहे हैं वही व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति है जो उस समय जब उसके अन्य साथी कुछ भावनाओं के वशीभूत होकर या महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर उसको छोड़कर चले जाते हैं लेकिन वो व्यक्ति उस समय भी शांत और अडिग रहता है, वही व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. He was only केवल is a fitted उपयुक्त command आदेश देना and or control नियंत्रण करना who जो है सक्रिय succeeded सफल इनमें commanding आदेश देना and or controlling नियंत्रण करना himself, कह रहे हैं वही व्यक्ति
आदेश देने और दूसरों को नियंत्रण करने में सफल रहे। जो स्वयं को नियंत्रण करता है और आदेश देता है, आदेशित करता है, वही दूसरों के ऊपर दूसरों का आदेश और नियंत्रण कर सकता है। द हिस्टेरिकल, द फेयरफुल, द थॉटलेस एंड फ्यूलेस लेट सच सी कंपनी और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट। हिस्टेरिकल यानी मिर्गीग्रस्त, फेयरफुल भयभीत, थॉटलेस यानी कि विचारहीन, फ्रेलेस यानी बेकार की बातें करने वाला, लेट आज्ञाकर्त में सच ऐसा सीख ढूंढते हैं कंपनी यानी संगति। कह रहे मिर्गीग्रस्त, भयग्रस्त और विचारहीन, बेकार की बातें करने वाला, ये संगति ढूंढते हैं। और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, और या अन्यथा दे वे विल सैक्रिया फॉल, गिर जाते हैं फॉर के लिए लैक ऑफ सपोर्ट यानी कि सहयोग की कमी, अन्यथा वे सहयोग की कमी के कारण गिर जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक सॉन्ग लिखा था, उसमें लिखा था एकला चलो रे, अकेले चलो, अगर कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप अकेले आगे बढ़ते रहिए। बट द काम, द फेयरलेस एंड द थॉटफुल एंड ग्रेव लेट्स अस सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, द डिजर्ट एंड द माउंटेन टॉप। कह रहे हैं कि बट किंतु काम, शांत, फेयरलेस, निडर, थॉटफुल, विचारशील, ग्रेव, गंभीर, लेट आज्ञा कर सच ऐसा सीख ढूंढते सॉलिट्यूड एकांत ऑफ काकी के फॉरेस्ट, जंगल, डिजर्ट, रेगिस्तान एंड माउंटेन टॉप, पर्वत की चोटी। कह रहे हैं किंतु जो शांत, निडर, विचारशील और गंभीर होते हैं वो जंगल, रेगिस्तान और पर्वत की चोटी पर जिस प्रकार का एकांत होता है वैसा एकांत ढूंढते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडेड, एंड और देयर उनका पावर शक्ति, मोर अधिक पावर शक्ति, विल सक्रिया भी होना, एडेड जुड़ जाना। और कह रहे हैं कि उनकी शक्ति में और भी अधिक शक्ति जुड़ जाती है जब वे एकांत में होते हैं। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द फिजिक करेंट्स एंड वर्लपूल्स विच इंगल्फ मैनकाइंड, एंड और दे विल सक्रिया मोर अधिक, एंड और मोर अधिक सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक स्टेम द फिजिक करेंट्स, स्टेम द फिजिक करेंट्स यानी भौतिक जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, एंड और वर्लपूल्स यानी भंवर, विद जो एंगल्फ यानी कि घेरे रहती है मैनकाइंड, मानवता को। और कह रहे हैं कि और वे लोग बहुत अधिक सफलतापूर्वक भौतिक जो समस्याएं हैं जो मानव जीवन में आती हैं, या भंवर हैं जो कठिनाइयां हैं जो मानव जीवन में आती हैं, जो मानव जीवन को घेरे रहती हैं, उनको उनका सफलतापूर्वक दमन कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उन्हें कोई फर्क मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। पैशन इज़ नॉट पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। पैशन इज़ नॉट पावर, पैशन यानी इच्छा, वासना, कामना, आसक्ति इज़ है नॉट, नहीं पावर, शक्ति। कह रहे हैं इच्छा शक्ति नहीं है, इट इज़ द एब्यूज़ ऑफ पावर, इट या इज़ ए एब्यूज़ ऑफ पावर यानी ये शक्ति का बिखराव है, हानि है। द डिस्पर्सन ऑफ पावर, डिस्पर्सन बिखराव ऑफ काकी के पावर शक्ति, यह शक्ति का बिखराव है। पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फास्टली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बेटल्ड रॉक, व्हाइल्स पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल। पैशन यानी वासना, इच्छा इज ए लाइक जैसा फ्यूरियस यानी बहुत तेज स्टॉर्म, तूफान, विच जो बीट्स टकराता है फियर्सली यानी बहुत ही तेजी से, एंड और वाइडली बहुत ही तेजी से, हिंसक तरीके से, अपॉन ऊपर एम्बेटल्ड रॉक यानी चट्टान। कह रहे हैं कि वासना या कामना, इच्छा एक ऐसा तेज तूफान है जो कि एक अडिग चट्टान के ऊपर बहुत ही तेजी से टकराता है, जबकि पावर शक्ति इज है लाइक जैसा रॉक चट्टान इटसेल्फ स्वयं, विद जो रिमेन्स रहता है साइलेंट, शांत, एंड और अनमूव्ड अडिग थ्रू इट ऑल, इन सब के दौरान। जबकि शक्ति जो है वो स्वयं में एक ऐसी चट्टान है जो इन सब के दौरान यानी जब उसके ऊपर तूफान आ रहा होता है बहुत ही तेजी से, इन सब के दौरान वो शांत रहती है और अडिग रहती है। उसके बाद जो है, इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, एंड द बिगनिंग ऑफ पावर इज लाइक वाइज द बिगनिंग ऑफ विजडम। इफ़ यदि यू आप नॉट नहीं दिस या पावर शक्ति, यू आप में सकना एक्वायर प्राप्त करना इसे बाई द्वारा प्रैक्टिस अभ्यास, एंड और बिगनिंग शुरुआत पावर शक्ति इज ए लाइक वाइक जैसे बिगनिंग शुरुआत ऑफ काके के विजडम बुद्धिमानी। यदि आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है तो आप इस प्रकार की शक्ति को अभ्यास की शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और आपके अंदर शक्ति का संचार होना शुरू हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके अंदर बुद्धिमानी का संचार होना शुरू हो जाएगा। यू मस्ट कमेंस बाई ओवरकमिंग दोज पर्पज एस ट्रैवल्टीज टू विच यू हैव हिदर टू बीन अ विलिंग विक्टिम।
कह रहे हैं यू आप मस्ट अवश्य कमेंस बाई ओवरकमिंग, ओवरकमिंग का मतलब जीतना, विजय प्राप्त करने वाली, दोज उन पर्पसलेस यानी कि निरुद्देश्य ट्राइबल्टीज, बेकार की चीज़ें, विद जो यू आप हैव सेक्रीफाइस हिदर टू बीन आ विलिंग विक्टिम, जिनके आप अभी तक जानबूझकर जो है शिकार रहे हैं। कह रहे हैं कि आप जो है उन सभी निरुद्देश्य बेकार की चीज़ों और समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे जिनके आप जानबूझकर अभी तक शिकार बने रहे हैं, यदि आपके अंदर अडिगता आ जाएगी। बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लॉफर स्लेंडर एंड आइडियल टॉक एंड जोकिंग मेरली टू रेज अ लॉफ, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लॉफर यानी बहुत तेज ठाका मारकर हंसना, अनियंत्रित हंसी, स्लेंडर एंड आइडियल टॉक बेकार की बातें, एंड और जोकिंग मेरली और केवल इसलिए हंसी वाली बात कहना ताकि रेज ऑल ऑफ, ताकि हंसी आए, मतलब हंसी के लिए कोई भी बात कहना, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, ऑल दीज थिंग्स ये सारी चीज़ें मस्ट अवश्य भी होना, पुट ऑन रख देना वन साइड एक तरफ, एज क्योंकि सो मच बहुत अधिक वेस्ट नष्ट करती हैं ऑफ का क्योंकि वैल्यूएबल एनर्जी यानी मूल्यवान ऊर्जा। तो इन सभी जैसे अनियंत्रित हंसी, ठाका मार कर हंसना, बेकार की बातें और केवल हंसी के लिए उड़ाने के लिए चुटकुला कहना या किसी का मजाक उड़ाने के लिए ऐसी बात कहना, इन सभी चीज़ों को एक तरफ रख देना चाहिए क्योंकि ये हमारी बहुत ही मूल्यवान ऊर्जा को नष्ट करने का काम करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो जो है बड़ा हो रहा है, ये पार्ट 5 आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद लास्ट वाले पार्ट में जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का वो हो जाएगा, लास्ट वाले पार्ट में वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में है। थैंक यू वेरी मच।